यूपी है? देखिए, मुझे लगता है कि कई ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी संगठनों और राष्ट्रवादी संगठन के से संबंधित लोगों के लिए इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक्सपोज हुए हैं और डे बाय डे ऐसी ताकतें एक्सपोज होती जा रही हैं, जनता उन्हें रिजेक्ट करती जा रही है। बंगाल से को लेकर बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया, ये लगातार जारी रहेगा? देखिए, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं अराजकता है, और अराजकता के साथ साथ वहाँ पर जो कुछ अराजक तत्व तो है वो एक पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं, पैरेलल सरकार चला रहे हैं, और उस पैरेलल सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वहाँ पर जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, वो समर्थन दे रही है। इसलिए बीजेपी का जो अभियान है वो जारी रहेगा। गौ मामले को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि इसके नाम पे काफ़ी गुंडई है। देखिए, पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी और उसके युवराज जो हैं वो पहले तो नॉनसेंस करते थे, अब न्यूसेंस में बदल गया है। वो पहले जो है वो बकवास करते थे, अब बददिमागी में बदल चुका है, इसलिए जो है उनकी बात पर कोई हमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1000 और 500 के नोट को गिनती को लेकर के राहुल जी ने कटाक्ष किया। अब उनको कटाक्ष की पहले कैसा कटाक्ष कैसे किया जाता है और कटाक्ष का राजनीतिक क्या रूप होना चाहिए, पहले वो सीखें, किसी पाठशाला में जाए, ज्ञान लें, तब फिर इस तरह की बातें करें। नहीं नहीं, ग्रास वोटिंग क्यों होगी? पूरा हम एनडीए के साथ पूरा बहुमत है, बहुमत ही नहीं बल्कि और पार्टियों के भी समर्थन मिल रहा है, इसलिए बहुत कंफर्टेबल तरीके से एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति चुने जाएंगे।